तो आतंकियों का लगातार नेस्तनाबूत कर रही है भारतीय सेना। उधर मुस्तैदी इस बात की भी कि ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो। लद्दाख में एलएसी तनाव के बीच भारत ने चीन से लगी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। चीन के खिलाफ इसे भारत की आक्रामक रणनीति माना जा रहा है। एलएसी पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत की ओर से अतिरिक्त 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। चीन की चालबाजी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीमा से सटे इलाकों में करीब 50,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की है। इससे पता चलता है कि गलवान घाटी हिंसा के बाद दोनों देशों में पैदा हुआ तनाव अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। भारत के इस बेहद सख्त रुख से चीन के लिए अब अपनी चालबाजी को अंजाम देना आसान नहीं होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने चीनी सीमा से सटे इलाकों में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती अपनी सीमा के साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकू जेट स्क्वाड्रनों को तैनात किया है। कुल मिलाकर भारत के अब लगभग 2,00,000 जवान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 40% अधिक है। बॉर्डर पर भारत की पहले सैन्य उपस्थिति का उद्देश्य चीनी सेनाओं की चाल को रोकना था। अब नई तैनाती भारतीय कमांडरों को ऑफेंसिव डिफेंस के रूप में जानी जाने वाली रणनीति में जरूरी होने पर चीन पर हमला करने और उसके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अधिक विकल्प देगा। इसे सैन्य रणनीति की भाषा में ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने सैनिकों को कश्मीर से चीन सीमा पर विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाया है, साथ ही M777 होविजर जैसी तोपों को भी तैनात किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा भी LAC पर भारत की सैन्य तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बॉर्डर पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख में रहे। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस फ्रांस से मंगाए गए राफेल फाइटर जेट्स को सपोर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही चीन से तनाव के बीच भारतीय नौसेना भी पूरी तरीके से मदद के लिए आगे आई है। नौसेना ज्यादा युद्धपोतों को लंबे समय के लिए प्रमुख समुद्री मार्गों पर रख रही है। हालांकि अब तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि चीन ने अपनी तरफ से कितने सैनिकों की तैनाती कर रखी है, लेकिन चीन सीमा पर लगातार आक्रामक भूमिका प्रदर्शित कर रहा है। सीमा पर उसकी गतिविधियों से जुड़ी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। बीते साल गलवान हिंसा के बाद से सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये से एक बार फिर तनाव नए सिरे से उभरता दिख रहा है। जाहिर है LAC तनाव से निपटने के लिए चीन के साथ वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन चीन के अड़ियल रुख के चलते अभी तक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। यही वजह कि अब भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए यहां पर LAC पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर चीन को बड़ा मैसेज दिया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।